अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी चेंजेस आपके प्रोजेक्ट में जो कि आपने कमिट कर दी हैं लेकिन अभी तक आपने गिटहब के ऊपर पुश नहीं की, उनको हम कमिट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो कि हम लोगों ने उसके अंदर क्या किया था कि इस प्रोजेक्ट को गिटहब के साथ लिंक किया था और गिटहब के ऊपर इसका कोड पुश किया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक टोस्ट लगाते हैं, ठीक है, और इस फाइल को हम कमिट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इसको कमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको कोई मैसेज दे सकते हैं कि एडिट टोस्ट, और यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमने टोस्ट ऐड किया है, ठीक है ये, और इसको आपने करना है सेलेक्ट और कमिट। यहाँ पे भी कमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये चेंज जो है, ये आपके पास ये जो फाइल है यहाँ पे VCS में, आप या तो इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट के कर सकते हैं, उससे आपको ये बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आपकी कमिटेड चेंजेस जो हैं, जो भी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ये तो मैंने कमिट करनी ही नहीं थी, या तो मैं गलती से कमिट कर गया, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में आप ये करेंगे कि इसको रिवर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कमांड लाइन से बताता हूँ ताकि आपको आपके लिए ईजी हो जाए। तो कमांड लाइन पे जाने से पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप जाएं, न्यू टैब पे जाएं और गिट डाउनलोड लिखें, ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, और यहाँ से आप जो भी मैक के यूजर हैं, विंडोज के यूजर हैं, लिनक्स के यूजर हैं, आप वो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोग एंड्रॉयड के टर्मिनल के अंदर गिट की कमांड्स को यूज कर सकें। तो हम यहाँ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे गिट की कमांड लिखूंगा, गिट रीसेट सॉफ्ट, ठीक है, फिर हेड, और हेड के बाद आपने जितनी कमिट्स को सॉफ्ट रीसेट करना है वो हम क्या करेंगे कि उसमें यहाँ पे ये वाला साइन करके, और हम यहाँ पे 1 या 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये सॉफ्ट रीसेट करेगा इसको। अभी आप देख लें कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल आपको नजर आ रही है, ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे इस कमांड को जब रन करूंगा उसके बाद हम जब यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि आपको आपकी फाइल नजर नहीं आ रही यहाँ पे। इसका मतलब कि आपकी कमिट जो है वो सॉफ्ट रीसेट हो चुकी है। सॉफ्ट रीसेट में ये होता है कि आपकी चेंजेस भी रहती हैं और आपकी फाइल जो है वो कमिट से भी निकल जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी कमिटेड चेंज को अंडू करने का एंड्रॉयड स्टूडियो में बिफोर पुशिंग टू रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुंचती रहे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।